हेलो स्टूडेंट, आज जो है लास्ट ईयर जो केवल जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है सिलवाल है वो भी जो है प्लांट्स में ही मिलते हैं, तो प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये जो है केवल जो है प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल सेल में जो है ये अब्सेंट होता है। और ये प्लास्टिड्स के साथ जो है होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो अपना जीनेटिक मटेरियल प्रोटीन और डीएनए होता है, सेम उसी तरीके से प्लास्टिक में भी होता है। प्लास्टिड्स का मीनिंग होता है पिगमेंट, और पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो प्लांट्स में जो प्लास्टिड्स हैं यानी कलर है, जैसे ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर किसके चलते होता है। फूलों का रंग जो है डिफरेंट काइंड्स के जो होते हैं, अलग अलग जो है टाइप के होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, तो वह किसके चलते होता है वही हम लोगों को अब जो डिटेल्स में पढ़ना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। जैसे कि बोर्ड पे मैंने लिखा प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स का मतलब पिगमेंट होता है, या उसको कलर्स भी कह सकते हैं, रंग कलर्स। तो प्लास्टिड्स का ये केवल जो है प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो लिखते हैं कि प्लास्टिड्स आर found in most plant cells में आ जाते हैं, and are absent in animal cells. Like the mitochondria, the plastids also have their genetic materials like DNA and protein. DNA and ribosome. अब ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स like the mitochondria. ये प्लास्टिड्स जो है और तीन तरह के होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक में क्लोरोप्लास्ट, ये जो होता है ये ग्रीन कलर को शो करता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ये जो है ये ग्रीन कलर प्लास्टिक होते हैं, है ना। एक होता है इसको कलर्ड प्लास्टिक्स कह सकते हैं, यानी एक्सेप्ट
एक्सेप्ट है ग्रीन कलर को छोड़कर। तीसरा जो होता है इंडिको प्लास्ट होता है, इंडिको प्लास्ट। तो इंडिको प्लास्ट होता है ये जो है कलरलेस होता है, कलरलेस और वाइट भी होता है और वाइट कलर भी होता है। तो ये जो है प्लास्टिड्स के बारे में होता है। तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में अगर अंतर जानना हो ये जान सकते हैं। देखिए ये प्लांट के जितने भी ग्रीन मतलब पार्ट्स हैं उसमें ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो मिलते हैं, और जितने की फूलों के जो कलर है फ्रूट्स वगैरह हैं उसमें ये मिलता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस है, ये जो है मेनली प्लांट्स के रूट्स में मिलते हैं और फूड स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। अगर जो है डिफ्रेंसेज अगर ल्यूकोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में है तो लिख सकते हैं, या क्लोरोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में लिख सकते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है एलगी में भी मिलता है, जो ग्रीन एलगी है उसमें भी और हायर प्लांट्स में मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन एलगी, इन ग्रीन एलगी एंड हायर प्लांट्स जो होते हैं इस सभी में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दे हैव द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, कॉल्ड क्लोरो। तो ये क्लोरोफिल हो गया। अब ये क्लोरोफिल जो है क्या करते हैं, क्लोरोफिल एंड दे आर इन्वॉल्व, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है अभी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ने के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।